तर से विजयी हुए हैं और उनके घर पे दिखाते हैं आपको कितना जश्न मन रहा है। वहाँ लोग नाच रहे हैं, उनकी जीत की खुशी में नाच गाना शुरू हो चुका है। वार्ड नंबर 73 से राजीव भाटी जी की जीत में महिलाओं ने नृत्य करना शुरू कर दिया है, डांस हो रहा है दबा के। आइए जानते हैं क्या कहते हैं उनके समर्थक। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप जीत में? राजू भाटी जिंदाबाद, जो हैं अच्छे हैं, हमारे नेता बच्चे हैं, बहुत कुछ करेंगे। बस शुक्र का शुभ काम। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे भाटी जी के बारे में? भाटी जी की जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मट चार मट मट के मट राजू जी की जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें राजू भाटी की जीत में बहुत खुशी है, जितनी खुशी हो है और बहुत कुछ। हम तो बहुत दुखी है 5 साल से, आज बहुत खुशी है। राजीव भाटी आए तो हम तो इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा, आज राजीव भाटी को जीतने से हमें बहुत खुशी है। हमारे नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, राजीव भाटी। राजीव भाटी जी की बुआ जी हैं और वो अपने भतीजे की खुशी जीत पर कितना खुश हैं, आइए जानते हैं उनसे। हमने बहुत मेहनत करी अपने भतीजे के लिए, हमारा बड़ी खुशी हुई आज। हमने इतनी मेहनत करी, हमने बहुत ज़्यादा जितनी हम पे हुई हमने इतनी मेहनत, पर हमारी मेहनत का फल मिल गया हमें। हमें यूँ ही चाहिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारा भतीजा जीत गया तो अच्छी तरह से और अच्छी वोट से। लोगों के बारे में, लोगों को क्या? लोगों को बहुत मेहनत करी है, लोगों ने भी अपनी तरफ से कह रहे हैं हम बहुत मेहनत करिए इन्होंने सब ने, पर इनका फल हमें मिल गया सब। सभी लोग दिल से खड़े थे, बहुत अच्छे से दिल से खड़े थे, बड़ी बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है लोगों ने राजीव भाटी को इस सीट पे लाने के लिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, हमारी मेहनत का फल कामयाब हो गया और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे अंकल जी जीत गए। मुझे बहुत खुशी है, मेरे पार्षद जी जीत गए, राजीव भाटी जी। मुझे बहुत बड़े तबाना था से मेरे भाटी जी माने सीट पर माने जल्दी से आ जाए, बहुत खुशी की बात है। 2023 तारीख शनिवार मेरे पार्षद जी 1500 कितने वोट थे? वंदे मातरम, भाटी जी जीत गए, हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश है, आंसू आ रहे हैं खुशी के मारे। सदा साल इनको ऐसे ही जिताते रहे, बोल राजीव भाटी जी की। आज आपके पिताजी यानी ससुर जी दूसरी बार पार्षद बने हैं, कितनी खुशी है आप लोग? बहुत ज़्यादा खुशी है, इतनी मेरी फैमिली को भी, मेरे साथ जितनी भी मेरी फ्रेंड है, मेरी माता है बहन है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मुझे मेरे पापा को, हम सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। बस दुआ करती हूँ कि इनका साथ हमेशा बना रहे। हमें याद है हम 2 हफ्ते पहले आए थे, आपने हमें चाय पिलाई थी, हमने उनका इंटरव्यू किया था बाहर, तो हम उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दे के गए थे कि आप जीतेंगे। थैंक यू, आपका इतना साथ बना रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा। भी हमेशा हमारे साथ बने रहे और कुछ नहीं चाहिए। यहीं बैठ के उनका इंटरव्यू किया था, तो आप चाय लेके आई थी हमारे लिए, मुझे याद है। हमारा नेता बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया काम करेंगे। भाटी जी पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, सब तरह से बहुत अच्छा काम करेंगे। उनके लिए अंकल जी के, अंकल 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 के हमारे भाटी जी ने 5 साल पहले बहुत काम करा था, 10 साल पहले। 5 साल में हार के कुछ काम नहीं हुआ, कोई सी पार्टी जो जीती उसने काम नहीं करा। अब हमने फिर अपना भाटी जिताया है, हमारा भाटी काम करता है, आगे भी करेगा काम के वोट दी। इस बार पब्लिक ने पार्टी को ना देख के, पार्टी के को ना देख के एक अनुभवी नेता को चुना है, जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं, उनके काम से पब्लिक बहुत खुश थी और इसी आधार पर पब्लिक ने उनको वोट किया है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं
आप क्या कहना चाहेंगे भाटी जी के बारे? हमारे राजीव भाटी जी एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, पार्टी से कुछ नहीं, और उन्होंने अपना व्यक्तिगत नहीं किया, हम लोगों के सहयोग से वो खड़े हुए और हम लोगों ने उन्हें विजय बनाया। और राजीव भाटी से अच्छा इस क्षेत्र में काम कराने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। हेलो, हाँ हमारा भैया नाटनेता जी हैं, राजू बैसु, राजू भाटी जी, हम लोग सूर्या देव छठ परमेश्वरी से विनती करते थे कि हमारा राजू भाटी जी जीत जाए। हाँ, छठी मैया के हाथ जोड़ते थे। जिसने भैया 5 साल तक काम नहीं करा उसकी जांच होनी चाहिए। हेलो, मैं राजीव भाटी जी की बेटी हूँ दीपाली, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज पापा जीत गए और वो भी 1600 वोट से। और हम सभी ने बहुत मेहनत करी, ये सिर्फ हमारा एक परिवार नहीं है, हमारी पूरे ये जो जनता है वार्ड 73 है वो हमारा पूरा परिवार है, और उन सभी ने हमारी मदद की है। लाइक अंकल जी, आंटी, ये सभी, आप प्लीज सबकी तरफ कैमरा घुमाइए क्योंकि सभी के सभी हकदार है इसके। हमारे पूरा परिवार है, हमारा पूरा 73 वार्ड हमारा परिवार है। सिर्फ नाम के हैं, हम लोगों का है राजीव भाटी जी, सिर्फ नाम के चेहरा खड़े हुए, सहयोग में जितने देख रहे हैं पूरी गणेशपुरी बी ब्लॉक सी ब्लॉक सारा परिवार है उनका, और उनका दायित्व तो अब बढ़ा कि वो काम कराएंगे, पहले भी 5 साल काम कराए हैं, अब भी कराएंगे। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी थे, उनके सामने जो खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से थे, और वो भी पब्लिक का पूरा सपोर्ट था, लेकिन वार्ड नंबर 73 की जनता ने अनुभवी नेता चुना है जिसने पहले काम करके दिखाए हैं, और उसी के आधार पर लोगों ने उनको वोट किया है, ये कहना है यहाँ की जनता का। आइए और लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं राजीव भाटी जी के बारे में। राजीव भाटी के लिए जय जयकार है, बहुत साल बहुत परेशान पब्लिक रही है और उनके काम करने के ऊपर जीत हुई है। हाँ जी, ठीक है ये बात। क्या कहना चाहते हैं? आप बोलो, आप बोलो। राजीव भाटी जी बहुत काम कराया पहले भी, या 5-4 से हम बहुत परेशान थे, हमारे नाली साफ हो ना कोई काम हो रहा था, बहुत परेशान थे। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मातृशक्ति है, और मातृशक्ति जिसको चुन लेती है, जिसका साथ देती है, वो कभी हार नहीं सकता। तो आइए जानते हैं और मातृशक्ति से क्या कहना चाहते हैं राजीव भाटी जी के बारे में। भाटी जी हमारे बहुत 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 अच्छे, बहुत संस्कारी, बहुत अधर्म की जीत हुई है ये, बस हमारे पास ये। राजीव भाटी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे, और उनके सामने जो थे आशीष बंसल जो बीजेपी से थे, वो पहली बार चुनाव लड़े थे और वो हारे हैं, तो शायद आ चुके हैं, अभी लोग और आ रहे हैं, आपको और लोगों से भी बात कराएंगे। आइए जानते हैं और लोग क्या बताते हैं राजीव भाटी जी के बारे में।